सबसे पहले मैं आपको बताऊं बहुत ही इजी कंप्रेसर है इजी टू अंडरस्टैंड सबसे पहले यहाँ पे आपको एक नॉब uh, नॉब नहीं है बेसिकली एक स्विच है बेसिकली लिमिट या फिर कंप्रेस आपको अपने जो ऑडियो सिग्नल है उसको लिमिट करना है मतलब एक लेवल uh, से वो ऊपर जाएगा बिल्कुल काट दे उसको या फिर रिड्यूस करें कंप्रेस करे सो so वो यहाँ से आप कर सकते हो काट दे एकदम दैट इज limiting, लिमिट Limit करना एंड कंप्रेस बेसिकली कंप्रेस करना थोड़ा सा रिड्यूस करना ऑडियो सिग्नल आप इस तरीके से समझ सकते हो नाउ हमेशा क्या होता है जो आपकी गेन नॉब होती है वो जनरली होती है राइट साइड पे। लेकिन यहाँ पे चीज़ उल्टी है आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड पे हमें जो ये नॉब मिलती है फर्स्ट नॉब बेसिकली है दिस इज दी गेन नॉब हाँ जी यहाँ पे इस प्लगन में उल्टा है देन यहाँ पे एक मीटर मिलता है जहाँ पे आप देख सकते हो ऑडियो रिडक्शन न यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक नॉब है विच शोज दी क्या आपको आउटपुट अपना देखना है इस मीटर पे या फिर गेन रिडक्शन जनरली मैं इसको गेन रिडक्शन पे ही रखता हूँ सो दैट पता चले कि कितना गेन रिड्यूस हम कर रहे हैं नो विजली तो आप देखोगे ही लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा सुन के भी आपको आइडिया लगाना है बिकॉज लॉन्ग रन में आपको आपके कान ही हेल्प करेंगे विजुअली देखने से आप हो सकता है ऊपर नीचे चीजें कर दो सो so, यहाँ पे सुनना विजुअली देख सकते हो लेकिन उसके बाद आपको सुनना कि क्या फर्क पड़ा है अगर मैंने पांच टीबी रिड्यूस करा है तो so क्या फर्क पड़ा है नो यहाँ पे आती है मेन नॉब कितना पीक रिडक्शन होगा हाँ जी कितना पीक रिडक्शन होगा अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा देन यहाँ पे एक स्विच है विच इज दी पावर ऑन ऑफ स्विच नो यहाँ पे ये वोकल्स हैं एक बार सुनते हैं डिफॉल्ट पे ये सेट है लगभग चार डिबी तक यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है गेन रिडक्शन हो रहा है ना अगर मुझे गेन रिडक्शन पढ़ाना है सो यहाँ से मैं गेन को मतलब सॉरी पीक रिडक्शन को आ, कर सकता हूँ एड दिखाता हूँ So, आप सुन सकते हो गेन रिडक्शन कितना ज्यादा हो रहा है आपको आवाज ही कम आ रही होगी यहाँ पे आप देख सकते हो ये इस लेवल पे है कि यहाँ पे कुछ गेन रिडक्शन हो ही नहीं रहा है ना यहाँ पे आपको ऐसा नहीं करना है कि मैं इसको 40 पे कर दूंगा तो 40 मेरा गेन रिडक्शन हो जाएगा 40 डेसीबल्स तक हो जाएगा नहीं यहाँ पे जस्ट आपको देखना है गेन रिडक्शन यहाँ पे जो मीटर है व्यू मीटर है उस पे देखना है लाइक like जैसे कि अगर मैं यहाँ से अगर आप सोचो कि 10 डीबी यहाँ पे रिड्यूस हो गया तो ऐसा नहीं है एक बार ही दिखाता हूँ मैं सो so जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे वो कुछ गेन रिडक्शन हो ही नहीं रहा है सो so जैसे-जैसे हमें गेन रिडक्शन करना है आई सी द लाइट हियर इन तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे वर्क करना होगा इस तरीके से इस नॉप को ट्वीक करना होगा आपको सुन के कितना गेन रिडक्शन हो रहा है सुनोगे एंड साथ में देखोगे दोनों चीज कर लो देन यहां पे है गेन नॉप अब यहाँ पे हमने इसको रिड्यूस कर दिया काफी हाईली कंप्रेस कर दिया नो यहाँ पे अब हमने गेन तो थोड़ा सा इसका कम ही लग रहा है थोड़ा नहीं काफी कम लग रहा है सो so यहां से हम गेन को ऐड कर सकते हैं यहाँ पे आपको एक चीज समझ में आई होगी अगर आपने हेडफोन्स यूज करे हैं तो यहाँ पे क्या करा है गेंद रिडक्शन तो बहुत ज्यादा है उसके बाद वॉल्यूम कम हुई गेन रिडक्शन कम हुआ मतलब गेन रिडक्शन हुआ तो वॉल्यूम कम हुई देन उसके बाद क्या हुआ जो गेन था हमने और ऐड कर दिया सो so, ये जो जगह जहाँ पे ब्रेक्स था ना जहाँ पे वो सांस की आवाज़ आ रही है ब्रेद ब्रीद जहाँ पे वो हो रही है आर्टिस्ट की सो so आप देख सकते हो उसमें थोड़ी सी नॉइस है वो बढ़ चुकी है बिकॉज हमने गेन बढ़ाया है ये जस्ट एक एग्जैजरेट करा है मैंने सैम्पल को एंड यहाँ पे आपके सामने रिजल्ट है न यहाँ पे अगर मैं इसको कंप्रेस करूँ अगर आप सोच रहे हो कि मैं इसको कंप्रेस करूँ तो ये बहुत ही ज्यादा बेवकूफी वाली चीज होगी बिकॉज आप वे फॉर्म से देख सकते हो ऑलरेडी वो प्रोसेस्ड है वो कंप्रेस्ड है आप इस पर कितना भी कंप्रेसर डालोगे तो वो ओवर कंप्रेशन ही करेगा अगर मैं हल्का सा भी इसको कंप्रेस करता हूँ ना मैं आपको दिखाता हूं आप सुन सकते हो वो ओवर कंप्रेशन लग रहा है हालांकि ये जो ऑप्टो कंप्रेसर है एल ए टू ये बहुत ज्यादा मतलब सॉफ्ट कंप्रेसर है बेसिकली बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है लेकिन आप देख सकते हो दो तीन डी बी का गेन यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है लेकिन फिर भी ओवर कंप्रेशन लग रहा है फिर से सुनाता हूँ

एंड किस तरीके से आप यूज़ करोगे वो मैंने आपको बता दिया है लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको कंप्रेसर यूज़ करना ही करना है मैंने स्पेशली ये वाला जो ऑडियो है वो लिया था बिकॉज ये ऑलरेडी प्रोसेस्ड है आपने सुना हल्का सा ही हमने नेगेटिव यहाँ पे थोड़ा सा तीन डी का रिडक्शन हो रहा था लेकिन उसके बाद भी बहुत ज़्यादा ओवर लग रहा था ओवर कंप्रेस लग रहा था जब मैंने कंप्रेसर ऑफ किया तो थोड़ी सी अच्छी फील आ रही थी तो ऐसा नहीं है कि हमेशा आपको कंप्रेसर यूज़ करना ही करना है सुनो एक बारी क्या है एंड अगर, अगर अपने वोकल्स हैं हाँ उस पर आप यूज़ कर सकते हो लेकिन अगर आप कोई सैम्पल यूज़ कर रहे हो देन वहाँ पर थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना होगा ऐसा नहीं है कि आपको कंप्रेसर यूज़ करना ही करना है एंड अगर करना है तो मैंने बता दिया है कि, कि किस तरीके से आप यूज़ करोगे यूज़ करना आपको आ गया है सो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को करें सब्सक्राइब दिस इज़ जतन साइनिंग ऑफ एंड आई एल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो